समोसा खाना तो सबको बड़े पसंद होते हैं और सब कोई बड़े चाव से खाते हैं। क्यों ना हम घर में ही बना लें ढेर सारे समोसे बहुत ही कम चीज़ों से। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ रोल समोसा। तो यहाँ मैं ली हूँ मैदा 1 कटोरी, 2 चम्मच ली हूँ मैं चावल का आटा, आप देख सकते हो। यहाँ पे ली हूँ 2 उबला हुआ आलू, थोड़ी सी ली हूँ मंगरेला जिसे हम लोग कलौंजी भी कहते हैं, थोड़ी सी अजवाइन। यहाँ पे हमें एक बर्तन ले लेना है। तो यहाँ पे मैं एक बर्तन ली हूँ, मेरा थोड़ा ही यहाँ पे मैदा था तो मैं 2 रोल ही बना रही हूँ, इसीलिए मैंने कम मैदा लिया हुआ है। आप जितना चाहे उतना आप ले सकते हैं। इसमें हम क्रेश करके थोड़ा सा डाल देंगे मंगरेला। तो यहाँ पे मैं मंगरेला को क्रेश करके डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं डाल दूँगी अजवाइन, बस उसी प्रकार से। तो हम इसमें अजवाइन भी डाल दिए हैं। अब इसमें हमें डालना है नमक। अगर इसमें नमक नहीं डालेंगे ना तो ये थोड़ी सादी लगेगी खाने में, तो नमक इसमें डालना तो ज़रूरी है। मैम के लिए मैं यहाँ रिफाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं या फिर डालडा घी भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं। हम इसे अब अच्छे से मिला के मोयम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से मिला रही हूँ और इसे मिला के मोयम कर ली हूँ। तो देखिए जब हमारे आटे इस टाइप से हो जाए ना, गुठली गुठली टाइप के, तब सोचिए हमारे अच्छे से मोयम हो जाएंगे। हो गए हैं आटे तो हमारे जो है बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी हमारी रोल समोसा। इसमें हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इसे अच्छे से हम आटे को गूँथ लेंगे। आटे को हम थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे, उसे लूज नहीं करेंगे। तो हमने आटे को यहाँ देखिए गूँथ लिया है और हम इसे अच्छे से मिला के अब ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। जब तक हमारे आटे इधर फूलेंगे ना तब तक हम आलू जो रखे हुए हैं उबाल के उसका हम स्टफिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं ली हूँ देखिए इस टाइप का जो कटर आता है ना, ग्रेटर मशीन, वही मैं ली हूँ। इसमें हम आलू को इस प्रकार से ग्रेट कर लेंगे। अगर हाथों से अगर आप चाहें तो ये मशीन नहीं है तो हाथों से भी अच्छे से मसल लें, बट उसमें थोड़ी सी गुठली नहीं रहनी चाहिए। गुठली रहेगी ना जब हम इसे रोल करेंगे ना, गोल करेंगे सारे को, तो वो थोड़े से फट सकते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं आलू को, इससे हमारे जो गुठली नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से आलू को मैश करके रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। तो चावल का आटा इसमें मैं रख दिया हूँ, देखिए 2 चम्मच चावल का आटा रख दी हूँ। थोड़ी सी यहाँ गरम मसाला मैं ली हूँ और थोड़ी सी ये हमने लिया है जीरा भुना हुआ, आप जीरा पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च ली हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च तीखा आप अपने कम ही डालें। तो यहाँ पे मैं तीखा थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ इसीलिए, बच्चे अगर खा रहे हैं तीखा आप कम ही डालें। थोड़ी सी धनिया पाउडर ली हूँ यहाँ पे मैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली हूँ। अब हम डाल देंगे इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार हम डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया की सूखी हुई पत्ती या फिर आप कस्तूरी मेथी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं धनिया को स्टोर करके रखी हुई थी ना धनिया पत्ती, तो हरी पत्ती नहीं थी मेरे पास तो मैं वही डाल दी हूँ इसमें। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला है तो थोड़ी सी चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैदा जो हमारे हैं, जो मैं गूँथ के रखी थी आटे, वो हमारे हो गए हैं रोल समोसा बनने के लिए तैयार। तो हम इसे 2 भागों में कर लेंगे। तो मैं 2 ही रोल समोसा बना रही हूँ, तो इसीलिए इस प्रकार से करके आप इसे रख लें। और यहाँ पे ली हूँ मैं चकला, इसमें हमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बिना ऑयल लगाए हुए ही ये हमारी जो है रोटी के तरह बेल के तैयार हो जाएगी। तो बट हमें इसे रोटी की तरह पूरा पतला नहीं करना है, हम इसे मीडियम ही रखेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें रखना है, और हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाया था फिर भी ये हमारे अच्छे से फैल गई है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं फैला ली हूँ और मीडियम टाइप में रखी हूँ, मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे जो मैं रखी थी आलू का स्टफिंग बना के, इसको मैं चम्मच की सहायता से इसमें फैला दूँगी अच्छे से। पूरा जितना रोटी है ना उसमें पूरा आप अच्छे से फैला दें। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हमें फैला देना है।
थोड़ी सी इसमें, अगर वो वाली चम्मच जो आती है प्लास्टिक वाली उसकी सहायता से आप कर सकते हो, बट इससे भी बहुत अच्छी तरह से हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे फैला दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़े से पानी ले लेंगे। थोड़ी सी पानी लेके हम क्या करेंगे, साइड से हम इसमें लगा देंगे। अगर आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, बट मैं बनाती हूँ ना इसी टाइप से बनाती हूँ, मैं साइड में थोड़ा सा पानी में लगा देती हूँ। इससे क्या होती है, जब हम रोल समोसा को तलेंगे ना तो वो छूटेगी नहीं। देखिए यहाँ हमें पतला करके इसे एकदम अच्छे से हमें इस प्रकार से मोड़ लेना है सारे को, टाइट से, ढीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, टाइट से हमें रोल को मोड़ लेना है इस प्रकार से। और हमें थोड़ा सा अच्छे से इसे सेव कर लेना है इस प्रकार से, थोड़ा सा हम सेव कर लेंगे ना तो ये हमारी रोल जो है अच्छे से सेव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिए हैं चाकू, प्लेन चाकू ली हूँ मैं, देख सकते हैं आप। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था जिससे कि हमारी ये चिपके नहीं। हम इस प्रकार से इसे कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं हमें इस प्रकार से कट कर लेना है। तो चलिए मैं इस सारे को इस प्रकार से कट कर ली हूँ, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से बनी है ना। तो जिस तरह से हम लोग समोसा खाते हैं ना, सेम वही स्वाद इसमें हमें मिलेगी। और बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है ना, हमें आलू को भूनना पड़ेगा इसका स्टेपिंग को, बस हम बना लेंगे। तो सारे को बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप सारे को मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इसमें दूसरा डिज़ाइन भी आता है ना, वो उसे भी आप इसमें दे सकते हैं। कढ़ाई में रखी हूँ मैं रिफाइंड ऑयल इसको समोसा को तलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई मैंने रिफाइंड ऑयल रख दिया है, इसमें अब मैं एक डाल के चेक कर लूँगी। तो देखिए हमारी ऑयल अच्छे से गर्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, जब हमारी तेल गर्म हो जाएगी ना अच्छे से कढ़ाई में, तो गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे, तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तेज़ में आप बिल्कुल भी इसे ना तलें, इससे क्या होगी हमारी ऊपर की जो है वो लाल हो जाएगी और अंदर से हमारी कच्चे रह जाएगी और हमारी क्रिस्पी जो है वो समोसा बनके तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं कम ऑयल ली हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ज़्यादा अगर आप लेंगे ना तो एक बार में ही सारे तल के तैयार हो जाएंगे, बट यहाँ मैं थोड़ी ही ऑयल ली हूँ, इसी में मैं 6-7 पीस करके मैं तल लूँगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 6 पीस डाल दिया था और इसे मैंने उल्टा के, मैंने उलट पलट करके मैंने इसे तल लिया है। तो इसे भी और हम पकने देंगे, एकदम गैस का फ्लेम मैंने बहुत कम रखा हुआ है और इसे मैंने तला हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बनके हो गई है तैयार। तो इसी प्रकार से हम सारे को तल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सारे को मैंने तल लिया और आप देख सकते हैं इसका लुक, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा बना हुआ है। इसे आप चटनी के साथ या चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग कभी भी आप स्टोर करके भी इसे रख सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और ये देखिए कितनी करारी बन के तैयार हुई। तो आज की रेसिपी थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ वो शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी अच्छी से करारी टाइप से बनी हुई है और बिल्कुल समोसा से भी अच्छी लगी खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।